यस, हम आगे हो तो पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि इनका जहाज डूबने वाला था, पंप खराब हो गया था, मिसिस के सिर में चोट लग गई थी और पूरा का पूरा क्रू पानी भरने की कंडीशन में था। नाउ अब हम आगे से हो तो देखते हैं। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद अ एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। इनकी अब पूरी रात कैसे कटी? ये पंप को, स्टेयरिंग को और रेडियो को ठीक कर रहे थे, है ना? और उसी में ये इनका काम चलता रहा। ये तीनों ये काम कर रहे थे, ठीक? ये तीनों काम इनके हो रहे थे। वी वेयर गेटिंग नो रिप्लाई टू अवर मेड ए कॉल विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया के एक रिमोट वाले प्लेस में थे और वहाँ से इनका किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। टूज हैड सोलन अलार्मिंगली, शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आम। अब क्या हुआ? जो इसकी वाइफ थी, ठीक, उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लग गई थी। एंड आई आस्क व्हाई शी हैडन्ट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस, शी रिप्लाई, आई डिडेंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वेयर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उसने बोला कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने बोला कि मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि आप हमको बचाने में लगे हुए थे। मेड ए कॉल्स वर्ड यूज टू सिग्नल सेफ स्टक इन अ डिजास्टर सिचुएशन थ्रू द रेडियो। अब ये क्या कर रहे थे? यहाँ पर रेडियो के थ्रू बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है, और बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। नाउ बाय मॉर्निंग ऑन जून 3, द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशियंट अंडर द कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर रेस्ट इन रोटेशन, बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो टू वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रे फ्रेम वेयर स्मैश डाउन टू द सी। अब क्या हुआ? ये पंप से पानी तो निकाल रहे थे, लेकिन 2 घंटे के बाद भी वो रोटेशन चल रहा था। इनका शिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, क्रैक वगैरह थे, वो इसको ठीक करने के लिए ट्राई करते जा रहे थे। देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। यानी ये क्या कर रहे थे? जो इनका पूरा शिप था उसको उतारने की कोशिश में लगे हुए थे, ठीक है, लेकिन इनका बहुत छोटा सा पोर्शन यहाँ पर ठीक हो रहा था, ठीक है, क्लियर। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टूगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। इनकी वेव पर इनके बोट पर वेव ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया था और ये 15 घंटे से उसको करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दे चेक आउट चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देर वेयर 2 स्मॉल आइसलैंड फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। उन्होंने चेक किया कि इनकी कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड यानी टापू हैं। वन ऑफ देम इले एमस्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट बेस। एक क्या हो गया? फ्रेंच साइंटिस्ट बेस का एक टापू था। अबर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिंक प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, बट अनलेस द विंड एंड शी अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल आवर चांस वुड बी स्लिम इंडीड। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन
आउट ऑफ द एक्शन। देखिए पिन प्रिक्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रिक कॉज्ड बाय अ पिन, प्रिक इन द वेस्ट, द टू स्मॉल आइसलैंड इन द वेस्ट साइड। अब ये इनको उम्मीद तो थी कि हम वहाँ पर जो ओशन है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक, और वो इसी आशा के साथ आगे कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो वेव थी उसने इंजन को हिट कर दिया था और वह वर्किंग से बाहर था। इस यूनिट इस टेक्स्ट में आपके पास कुछ वर्ड आए हैं जो कंप्लीट जो लगभग आपके टिपिकल हैं, जैसे स्मैश, बैडली ब्रोकन, बहुत तेजी से, बहुत बुरी तरह से टूटना, कील, स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द सी। कील आप जानते हैं ना, वो जो आपके पास बेस में एक कील टाइप का स्ट्रक्चर लगा रहता है। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, द टू स्मॉल आइलैंड्स इन द वेस्ट ओशन वेयर वेरी टाइनी लाइक द प्रिक कॉज्ड बाय द पिन, अवेटेड समथिंग अनप्लीजेंट, जो अच्छा नहीं गुजरता उसको अवेटेड बोलते हैं। ऑक्सिलरी इंजन, स्मॉल सेकेंडरी इंजन यूज टू बोर्ड शिप टू ऑपरेट अ विंडलेस इन द शिप। ऑक्सिलरी इंजन यानी एक इंजन को अलग से रखा जाता है जो कभी कभी एक अकस्मात परिस्थितियों में इसका यूज होता है। ये इसका मैंने मीनिंग आपको लिखाया हुआ है इंग्लिश में, इसको आप रीड कर लेंगे, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज ऑन जनवरी 4th आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। 36 घंटे तक लगातार पंपिंग करने के बाद वो वहां तक पहुंचे जहां पर वाटर का लेवल कैसा था, कम था, कुछ सेंटीमीटर था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, सो वी हॉस्टेड टू द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वेयर Mary found some corn, beef and cracker biscuit and we ate our first meal in almost 2 days. But our respite was short-lived. At 4 p.m., black cloud began building up behind us within the hour of wind and back to 40 knots and the seas were getting higher. Weather continuously deteriorates throughout the night and by down on January 5 our situation was again desperate. देखिए कठिन वर्ड देख लीजिए, rigging the rope and wire supporting the structure of the ship. आपने ship को देखा होगा, ऐसे रस्सियां वगैरह लगी रहती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। हल, द फ्रेमवर्क ऑफ द वेसल, जो बर्तन का पात्र होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हल बोलते हैं। रिस्पाइट और शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, थोड़ी देर के लिए आराम करना, डिटेरिएट गेट वर्स और खराब कंडीशन में पहुंचना। मीनिंग देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग ऑन जनवरी 4 द वाटर वॉज ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर लेफ्ट टू द पंप आउट, केवल थोड़ा सा पानी बचा था जो 36 आवर तक पानी निकालते निकालते जो पंप करने के लिए रह गया था। बट दे स्टिल एट द पंप आउट द वाटर विच वॉज कमिंग आउट, दे कुड नॉट सेट सेल ऑन द मेन मास्ट, अभी भी पानी आ रहा बाहर पूरी तरह से नहीं जा पा रहा था और वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली सेलिंग नहीं कर पा रहे थे। दे हॉस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड सेल टूवर्ड द टू स्मॉल ऑफ आइसलैंड। जिप मैंने आपको बताया था ऊपर जो ऐसा लगा रहता है जिसको मोड़ने होने के काम आता है शिप को, अब वे क्या करने लगे थे, जो छोटे छोटे दो आइलैंड थे उसके साइड चलने लगे थे।
They had their first meal in 2 days. Some corned beef and cracker biscuit found by Mary. अब 2 दिन के बाद उनने पहली बार खाना खाया था और उसमें बीफ और क्रैकर बिस्किट थे. रेस्ट पीरियड वॉज शॉर्ट लिव्ड एज ब्लैक क्लाउड बिल्ट अप अराउंड 4 PM. अब बाकी के समय में ये थोड़ा सा रुके रह पाए और 4 बजे तक इनके आसपास फिर से ब्लैक क्लाउड उमड़ने लगे. द विंड वॉज नाउ 40 knots एंड शी वॉज गेटिंग हायर. अब फिर से हवा चलने लगी. कितने की स्पीड से? 40 knots. और समुद्र की लहरें फिर से ऊपर उठने लगी. द वेदर गॉट वर्स एंड बाय द अर्ली मॉर्निंग ऑफ January 5 द सिचुएशन वॉज बैड. अब फिर से क्या हो गया? मौसम और खराब हो गया 5 तारीख को और सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई. तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई? इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती गई. ठीक है, तो ये आप अपनी स्टोरी को बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक. नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, इसका रिमेनिंग पार्ट करा के पूरा समरी कराऊंगा और समरी कराने के बाद आपको एक बार क्विक एक्सप्लेन करके आप लोगों को क्वेश्चन